दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने और तिहाड़ जेल से रिहा होने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। ग्वालियर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। ग्वालियर में अरविंद केजरीवाल के रिहा होने पर आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान आप नेता अमित शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के षड्यंत्र और झूठे आरोपों के चलते सीएम केजरीवाल 186 दिन तक जेल में रहे। उन्होंने कहा, लगातार 10 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सफलतापूर्वक चलने से भाजपा डर गई है। नतीजतन झूठे आरोप लगाकर केजरीवाल को जेल भेजा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी जो पिछले 6 महीने से लगभग 5 महीने कुछ दिन हो गए जेल में बंद थे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मोदी सरकार की तानाशाही और दादागिरी की वजह से फर्जी और झूठे मुकदमे में फंसा के आम आदमी पार्टी के को ख़त्म करने की जो साजिश थी उसको उनकी उम्मीदों को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और आम आदमी पार्टी को इस देश में अच्छी व्यवस्था की जो इच्छा रखता है उसको एक खुशी की उसके दिन में लहर है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। तो हम सभी लोग साथी लोग इकट्ठा हुए हैं और पूरे देश में खुशी का माहौल है। हम सभी मिठाइयाँ खिलाकर खुशी प्रकट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।